दिल्ली में एमसीडी चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी जन जन तक पहुंचने का भर प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि मंडल एमसीडी चेस्ट क्लिनिक कालिदास मार्ग गुलाबी बाग बूथ नंबर 122-123 में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। ये मीटिंग एक कॉमन मीटिंग रखी गई। आपको बता दें कि इस मीटिंग में कैंडिडेट्स के रूप में सीलाराम अचल सिंह, ममता चंद्रशेखर, राखी आनंद, किरण सेठी एवं उषा त्यागी ने इस मीटिंग में भाग लिया और मीटिंग में आए हुए लोगों को अपना सभी ने इंट्रोडक्शन दिया। एमसीडी में केजरीवाल सरकार के आने पर एमसीडी में क्या बदलाव किए जाएंगे, उसके बारे में जनता ने इन सभी लोगों से अपने अपने सवाल किए, जिसका बखूबी जवाब भी दिया गया। आपको बता दें कि सभी ने इस मौके पर कैंडिडेट्स को अपना आशीर्वाद भी दिया। एमसीडी में समर्थन देने का जनता ने वादा किया। इस कॉमन मीटिंग में वार्ड 78 कमला नगर के संगठन मंत्री रितेश मेहरा, वार्ड अध्यक्ष चंद्रशेखर, मॉडल टाउन विधानसभा अध्यक्ष रामचल सिंह, मॉडल टाउन विधानसभा ऑब्जर्वर एडवोकेट प्रवीण, साथ ही मंडल अध्यक्ष कुमार मुंबई वाले, संगठन मंत्री ऋषि राम डोभाल और सचिव हरीश ठिंगरा भी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं नितिका शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ कमला नगर वार्ड 78 में, जहाँ पर एक पार्क है एमसीडी पार्क। चुनाव, जैसे कि आप जानते हैं कि अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं एमसीडी के ही, और यहाँ पर जो बातचीत चल रही है वो भी एमसीडी की ही है। जी हाँ, मेरे एक तरफ एमसीडी के प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सत्ता में आने की दौड़ में प्रत्याशी खड़े हैं, वो सभी मेरे इस तरफ है, और दूसरी तरफ एमसीडी की मांग लेते हुए जो परेशान है जनता वो मौजूद है। हम बात करेंगे दोनों से ही कि आखिर क्या कुछ करेगी एमसीडी में आने के बाद यहाँ के सभी प्रत्याशी इन जनता के लिए, और आखिरकार ये जनता किन किन परेशानियों से जूझ रही है। भूतकाल में रहे यहाँ के निगम पार्षदों ने आखिर वो कौन से काम इनके लिए नहीं किए, तो आइए जानते हैं। हमारे साथ विधानसभा के ऑब्जर्वर मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी किस तरह से काम कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में जाती है, वहाँ उनकी ज़रूरतों को समझने का प्रयास करती है, और जिस क्षेत्र में जिस भी प्रकार की ज़रूरतें होती है उनका समाधान करने की लगातार ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आज आपने देखा कि हमारे साथ में मॉडल टाउन विधानसभा के वार्ड 78 के लगभग 15-20 कार्यकर्ता जो एक्टिवली गलियों में घूम करके लोगों की समस्याओं को जानते हैं और उसका निवारण करते हैं, तो यही हमारी पॉलिसी है कि जनता को जानो, जनता की ज़रूरतों को जानो, और बहुत सारी जनता अपनी ज़रूरतों और समस्याओं के समाधान को भी जानती है, तो उनकी बातों को जान करके और बस हम लोगों का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाना, तो इस प्रकार से काम बहुत आसानी से हो जाती है, जनता खुश रहती है, और इसीलिए आज पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का डंका बज रहा है कि हर जगह जनता से अगर पूछा जाता है कि किसको वोट करेंगे, हर आदमी बस यही कहता है कि आम आदमी पार्टी को हमको वोट करना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी मन की बात नहीं जन की बात करती है। विधानसभा के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, जानना चाहेंगे इनसे कि आखिरकार ये किस तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी जनता के बीच लगातार जा रहे हैं और जनता की समस्याओं को समझ रहे हैं। आपको सभी को मालूम है कि 15 वर्षों से एमसीडी में भाजपा की सरकार काबिज है, समस्याएं बहुत सारी हैं, लोग जनता के बीच में कार्यकर्ता जा रहे हैं, पूरी विधानसभा के वार्ड 76, वार्ड 77, वार्ड 3 वार्ड हैं हमारे, तीनों में सब जनता के बीच में जा रहे हैं, समस्याओं का सब लोग एक साक्षात्कार लोगों का हो रहा है कि कौन कौन सी क्या क्या समस्याएं हैं, उनके हल के बारे में भी सारी प्लानिंग जो हमारी जो समस्याएं पता चल रही हैं उनका समाधान के लिए सारा एक नोट करके उनके समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो आपको लगता है कि एमसीडी के चुनावों में आम आदमी पार्टी एक पक्की है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से दिल्ली में कार्य किया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और कई सारी योजनाएं लॉन्च की हैं, तो अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है जनता को कि दिल्ली सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, और लोग चाहते हैं कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आए और जो एमसीडी के काम रुके हुए काम है और वो सारे काम हों। कमला नगर वार्ड 78 के संगठन मंत्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार आप आम आदमी पार्टी को किस नज़रिए से देखते हैं। देखिए, हम तो ज़मीनी स्तर पे काम कर ही रहे हैं सारे मिलके, सारे कार्यकर्ता हमारे एक से बढ़कर एक हैं, सब काम कर रहे हैं, और आज की जो मीटिंग थी
उसका भी एजेंडा यही था कि जब पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाया तो आम जनता से जान के, उनसे समझ के कि जमीनी समस्याएं क्या हैं और क्या उनको फेस करनी पड़ रही हैं, उन सबको जान के अपना मैनिफेस्टो तैयार करे। अक्सर ऐसा होता था कि इंडिविजुअली प्रत्याशी जनता तक जाता था और वोट की अपील भी करते थे और बताते थे कि हम क्या कुछ करने वाले हैं, लेकिन अब की बार बदलाव इस तरह से है कि सारे प्रत्याशी एक साथ ही इसकी मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये प्रोसेस सही है? बिल्कुल सही है जी, सबको अपना मैनिफेस्टो बनाने से पहले जनता से राय लेनी भी चाहिए हम लोग सब सरकारों को, और आगे भी हमारा तो यही नारा रहा है कि यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड मांगनी चाहिए हर जनता के, हर इंसान को जो 15 साल से भाजपा शासित यहाँ पे है उससे एक बार रिपोर्ट कार्ड मांगी जाए कि उन्होंने क्या किया अब तक। हर क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग नीड्स हैं, उन सबको समझने के लिए हर क्षेत्र में अलग अलग लोगों को जाना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल फिट बैठती है इन सब परेशानियों को सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल, अभी तक आप देख लीजिए दिल्ली का विकास देख लीजिए जिस तरह हुआ है, जिस तरह दिल्ली के नए नए जो CCTV कैमरा हो चाहे स्ट्रीट लाइट हो, हर चीज़ में आम जनता को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनाई गई हैं और लोग उसका फ़ायदा भरपूर उठा रहे हैं, चाहे वाईफाई का कनेक्शन हो। थैंक यू। आगामी MCD चुनावों में किसको वोट देंगी आप? किनको? आप वालों को, आम आदमी पार्टी को। यस। क्या कुछ वजह है? वजह तो हमारे मन में है, जो देखते हुए हम आम आदमी पार्टी को कंपैरेटिवली दिल्ली में जो उसने 20 से लेकर अभी तक जो काम किया है वो काफ़ी बेटर लग रहा है, तो हमें ये उम्मीद हो रही है कि ये बाकी कामों में भी ठीक हो। तो आप देख सकते हैं कि कमला नगर वार्ड की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहती है, क्या आप भी यही सोचती हैं? बिल्कुल चाहती हूँ कि चेंज हो, 15 साल से BJP है तो हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए। कम पार्षद होता है वो छोटी छोटी चीज़ों को देखता है, जनता के बीच जो परेशानियाँ होती हैं, क्या कुछ परेशानियाँ हैं आप लोगों के बीच? परेशानियाँ हैं, सबसे ज़्यादा गंदगी है जी, और जानवर इतने परेशान करते हैं और बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सेफ्टी व्यू से देखा जाए तो लेडीज़ के लिए तो प्रॉब्लम है, नो डाउट, सरकार सारे हाथ खड़े कर देती है तो कौन करेगा बताओ। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर MCD में आती है तो वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने वाली है? बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि वो करें और वो कर रही हैं, नो डाउट।